हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑल। और चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। ओके, होप ऑल थिंग्स आर प्रॉपर एंड विजिबिलिटी और वॉइस का कोई इशू नहीं है। गुड इवनिंग टू ऑल। स्टार्ट करते हैं 16 की क्लास, जो हमारा 2016 का पेपर रह रहा है वो वाला हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वी आर ऑलरेडी कंप्लीट आर ऑल यूनिट्स एक्सेप्ट फ्रॉम बैंकिंग। बैंकिंग की यूनिट है वो मैं आपको बाद में करा दूंगी। ठीक है, तो इसीलिए पहले मैं जैसे आपको 16 का आज हम कर रहे हैं, 17 का मैंने करा दिया, 18 का करा दिया तुम्हें, ठीक है, 19, 20, 21, ठीक है, 22, तो यहाँ तक हम सारे करेंगे। 15 का भी मैं करवाऊंगी। तो जब ये सारे सेट कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि बैंकिंग के एक से दो क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैंने वो स्किप कर रखी है कि मैं इसको लास्ट में करवाऊंगी जब ये हमारे सारे स्टेट सेट हो जाएंगे, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट है। पूरा आपका सिलेबस हो गया है, PYQs हो जाएंगे, देन इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है ये हम कर देंगे। क्लियर हो गई बात, तो ये वाला पोर्शन हम तब स्टार्ट कर देंगे। अभी चलो स्टार्ट करते हैं हमारा जो टॉपिक है, विच इज़ एस्टर 2016, जो कि हम कर रहे हैं, और न्यूमेरिकल तीनों का इकट्ठा एक कंबाइन ले लूँगी मैं, तो उसमें हम कवर कर लेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन को। ओके जी, तो देखो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कमीशन रिसीव्ड है वो आपका कौन सा अकाउंट होता है। कमीशन रिसीव्ड इज विच इन विच अकाउंट, कमीशन है वो किस अकाउंट का पार्ट है। तो ये कमीशन हमारे देखो तीन टाइप के अकाउंट होते हैं ना, पर्सनल, फिर उसमें आगे तीन होते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल एंड ऑल कंपनी और ये सब का, नॉमिनल। नॉमिनल में सभी एक्सपेंसेस एंड सेल्स आते हैं। कमीशन जो रिसीव्ड है वो आपका किसका एग्जांपल है। कमीशन रिसीव्ड आपका रियल अकाउंट है या नॉमिनल है या पर्सनल है या लायबिलिटी है। लायबिलिटी तो कोई अकाउंट ही नहीं होता, इसको काटो सबसे पहले। आप देखो कि कमीशन है वो आपका आता किस में है। कमीशन आपको याद होगा कि कमीशन रिसीव्ड हम डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। तो जब हम यहाँ कमीशन रिसीव्ड हम कहाँ लिखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये हमारा क्या होता है बेटा, नॉमिनल अकाउंट होता है। राइट आंसर इज नॉमिनल। नेक्स्ट वन इज मास्टर बजट। मास्टर बजट क्या है, तो मास्टर बजट है यहाँ पर हमारा, मास्टर बजट इज फंक्शनल बजट, ऑपरेशनल बजट, समरी बजट और फाइनेंशियल बजट। तो मास्टर बजट हमारा किस टाइप का बजट है, क्या ये हमारा फंक्शनल बजट है, ये इज इट आर फंक्शनल बजट, फंक्शनल बजट है, या फिर ये हमारा ऑपरेटिंग है या समरी है या फाइनेंशियल है। तो जैसा कि इसका नाम है, ये हमारा क्या होता है, समरी बजट है, मास्टर, जिसमें हम सब चीज़ें इंक्लूड कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की कौन सी स्टेज नहीं है। इंट्रो होता है मैम, ग्रोथ होती है मैम, मेच्योरिटी होती है हमारी, डेक्लाइन होती है। क्या सेगमेंटेशन इसका पार्ट है, नो, सेगमेंटेशन की जगह पे क्या आएगा, मेच्योरिटी। तो यहाँ पर ये पूछा है नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। विच एलिमेंट ऑफ द प्रमोशन मेक्स डू होलसेलर जनरली अप्लाई टू ऑब्टेन देयर प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव। कौन सा ऐसा है जो प्रमोशनल मिक्स का एक एलिमेंट है और होलसेलर यूज़ करते हैं उसको, ये कीवर्ड है जो कोर फोकस है ना। देखो वैसे तो एडवर्टाइजमेंट और ये सभी है, लेकिन जो आपका होलसेलर यूज़ करते हैं वो वाला कौन सा है। तो होलसेलर हमारा ट्रेड प्रमोशन करते हैं कि ये हमारे रिटेलर्स को ये प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि रिटेलर फिर आगे उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स को अल्टीमेटली को दे सके। क्योंकि सप्लाई चेन क्या होती है हमारी, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से आगे। क्लियर हो गई बात, तो ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर बन जाता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गेट का भी, लास्ट ईयर पता है। अब देखो अब क्या पूछने लग गया, दो एग्ज़ाम देखे मैंने जिसमें 1947, ये हमारे शायद एस्टेट और केवीएस में भी पूछा, और 1948, ठीक है। तो ये देखो 47 में आया था गेट, 48 में इम्प्लीमेंट हुआ। WTO का जो डिसीजन है 94 में दिसंबर में फाइनल हो गया था, लेकिन आया 1 जन 1995 को था। तो इन दोनों का याद रखना, बहुत सारे एग्जाम में इसका पूछ लेते हैं, इसका पूछ लेते हैं, अब इसका नहीं पूछता, गेट का पूछता है, ठीक है। तो गेट का हमारा पूछ लेता है। तो अब यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर बन जाता है बेटा इसका, 1 जनवरी 1995 है इसका राइट आंसर। एक्स एंड वाई शेयर द प्रॉफिट। एक्स और वाई है, दो पर्सन है, 3:2 में अपना प्रॉफिट है वो शेयर करते हैं। जेड वॉज एडमिटेड एज अ पार्टनर। आपको ये चार टाइप की ट्रिक्स बता रखी हैं, पार्टनर है
ओल्ड अकाउंटिंग क्लासेस में, तो 4/5 हो गया जो बोथ के लिए है, 1 टोटल है, उसमें से सी का माइनस कर देंगे तो इन दोनों के लिए जो बचेगा वो आ जाएगा ना 4/5। अब कर लो इसका, 3/5 का 4/5 है, 2/5 का 4/5 है, तो यहाँ पर 12/25, 8/25 एंड 5 हो जाएगा, तो 5×5=25, तो ये 12, 8 एंड 5 ये रेशियो हमारा निकल कर आएगा। ठीक है, एक मिनट, 12, 8 एंड 5, एक मिनट, सॉरी, मैंने नीचे का पढ़ा ही नहीं, नीचे का नहीं पढ़ा मैंने, अभी इसको इरेज करके दोबारा से करते हैं। अच्छा, 1/5 शेयर है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इफ जेड एक्वायर 3/20 फ्रॉम एक्स एंड 1/20 फ्रॉम वाई, तो जब फ्रॉम होता है ना, यानी 3/20 प्लस 1/20 करके 4/20 यानी 1/5 बन रहा है जेड का, वो इतना तो इससे ले रहा है इससे, और इतना ले रहा है वाई से, तो सीधा माइनस करने का, 3/5 माइनस में 3/20 चला गया उसका, इसका तो 2/5 में से 1/20 चला गया, तो यहाँ पर 100 और 2 जा 60 और यहाँ पर 5 2 जा 2 3 जा 60 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5 3 जा 15। ठीक है, यहाँ पर हमारा 100 ही कर लेते हैं, तो यहाँ पर 5 2 जा 2 2 जा 40 और ये हमारा 5 जा पे चला जाएगा, तो 5 बन जा 5, तो ये कितना बच गया, 45/100 और ये हमारा 35/100 हमारा ये बच गया। ठीक है, और ये जो था हमारा 1/5, तो इसका करूँगी तो ये कितना आ जाएगा, 20। अब मैं इसको कट डाउन कर लेती हूँ 5 से, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 5 9 जा, तो 974 जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर 1। क्लियर हो गई बात यहाँ पर, ये इरेज कर देती हूँ ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्टर्बेंस आपको ना हो। ठीक है जी, तो इस टाइप से ये चीज़ें हैं वो करनी है आपको, तो ये इस टाइप से करनी है। अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है ISI इज़ द क्वालिटी सर्टिफिकेट मार्क यूज इन द केस ऑफ, ISI हम किस केस में यूज़ करते हैं। अब हॉलमार्क है वो हम ज्वेलरी के केस में यूज़ करते हैं, ठीक है, FPO फूड के उसमें यूज़ करते हैं, ये जो है हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में यूज़ किया जाता है, ISI इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में। क्लियर हो गई बात। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं करते, ये हमारा कंट्रोलिंग का पार्ट होता है कि स्टैंडर्ड सेट करेंगे, एक्चुअल है वो मेजर करेंगे, वेरियंस देखेंगे, कंट्रोल करेंगे नहीं, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, इम्प्लीमेंट प्लान और फिर उसके अकॉर्डिंग फॉलो अप करेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो सी है, क्योंकि नॉट कुछ है ना, तो यहाँ पर हमारा जो सी है वो हमारा राइट आंसर बन जाता है जी। ओके, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग आइटम, डेबेंचर, प्रीपेड रेंट, इंटरेस्ट एक्यूर्ड, बैंक ओवरड्राफ्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग करंट लायबिलिटी, ये होता है प्रीपेड रेंट एसेट होता है, डेबेंचर्स क्या हमारे करंट लायबिलिटी का पार्ट होते हैं, डेबेंचर हमारी नहीं होते, और इंटरेस्ट एक्यूर्ड यानी कमा लिया, ये भी हमारा असेट है, ये भी असेट है, और ये हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, करंट नहीं है, तो ओनली जो बैंक ओवरड्राफ्ट है यही आपका राइट आंसर होगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर है। क्लियर हो गई बात यहाँ पर। ERG थ्योरी जो है, एग्जिस्टेंस रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वॉज डेवलप्ड बाय, तो ये हमारी अल्डरफर ने दी थी, ठीक है, और इसकी अगर मैं तुलना करूँ मास्लो की थ्योरी से, तो ये हमारी जो बेसिक नीड्स है, ये हमारी सोशल एंड एस्टीम नीड्स है, एंड दिस इज़ आवर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ठीक है, और ये सेफ्टी, तो इस टाइप से आ जाती है, कई बार तुलना भी पूछ लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टार्टेड इट्स फंक्शनिंग ऑन, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना जो फंक्शन करना कब स्टार्ट किया था, कब शुरू किया था फंक्शनिंग, 1 अप्रैल 1935 को किया है, 1934 को किया है, कब किया है जी उन्होंने अपना फंक्शनिंग स्टार्ट, 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को उन्होंने फंक्शनिंग स्टार्ट किया है। एक्टिविटी रेशियो आर ऑल्सो टर्म्ड एज, एक्टिविटी रेशियो को हम क्या बोलते हैं,
एक्टिविटीज़ जो रेशियो है उनको हम एफिशिएंसी रेशियो बोलते हैं, टर्नओवर रेशियो बोलते हैं, लीवरेज बोलते हैं, या एफिशिएंसी एंड टर्नओवर बोलते हैं। तो एक्टिविटी रेशियो को हम ये दोनों नाम से बोलते हैं, एफिशिएंसी एंड टर्नओवर, बिकॉज ये रेशियो हमको ये बताते हैं कि क्या हमारी जो टर्नओवर कैपेसिटी है या एफिशिएंसी है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो डेटर हैं वो जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी स्टॉक है वो हमारा बिक रहा है या नहीं, तो स्टॉक टर्नओवर, डेटर टर्नओवर, क्रेडिटर टर्नओवर, तो ये हमारी बिजनेस की एफिशिएंसी और टर्नओवर रेट को जानते हैं, इसीलिए ये हमारे ये वाले रेशियो हैं। सेबी वॉज रिकॉग्नाइज, अब कई बार इसकी डेट पूछ लेते हैं, तो 30 जैन नॉट 31, याद रखना 1992, और ये क्वेश्चन एस्टेट में 2 से 3 बार पूछ लिया गया है। हायर डेट इक्विटी रेशियो, यानी कि डेट बाय में इक्विटी रिजल्ट्स इन, जब आपके डेट ज़्यादा है इक्विटी कम है, तो क्या आपका लो फाइनेंशियल रिस्क है? नो, हायर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग रिस्क है। ऑपरेटिंग तो मैम कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड ही नहीं होता, लो फाइनेंशियल क्राइसिस है कि फाइनेंशियल क्राइसिस आपके कम है क्योंकि डेट ज़्यादा है और इक्विटी आप कम यूज़ कर रहे हो, ठीक है। या हायर ईपीएस है, ईपीएस इसमें कैसे ही होगा, क्योंकि ईपीएस तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स होता है। लोअर फाइनेंशियल रिस्क नहीं हो सकता इस केस में, और लोअर फाइनेंशियल क्राइज हो सकते हैं। क्राइसिस और रिस्क में क्यों? क्योंकि ये हमारा लिवरेज से चलता है। क्राइसिस इसलिए है क्योंकि देखो, अगर इक्विटी को हम पे नहीं कर पाए, डेट अगर आपका ज़्यादा है और इक्विटी कम है, तो लो फाइनेंशियल क्राइसिस इसके लिए है क्योंकि हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी यहाँ पर कर रहे हैं, यानी कि जो हमारी फर्म है वो अच्छी रेगुलर इनकम दे रही है, इसलिए हम डेट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और डेट के ऊपर इंटरेस्ट का हमें टैक्स बेनिफिट भी मिल रहा है। और जब हम डेट चीपर सोर्स होता है, एक हमारा लो कॉस्ट सोर्स है, और इसका बेनिफिट हम किसको दे सकते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर को दे सकते हैं। शेयर कैन बी फॉरफिटेड, शेयर जो है वो हमारे फॉरफिटेड हो सकते हैं फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, जब हमारी पेमेंट नहीं की जाती है, जो हम बाद में पैसा मंगवाते हैं उसके, तो जितना पैसा पहले आया हुआ होता है वो हम जब्त कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक इतना है, ठीक है, ड्रॉइंग इतनी है, कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीयर, यानी एडिशनल कैपिटल, ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन से क्वेश्चन बना हुआ है। क्लोजिंग कैपिटल है 90, द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, तो हमारा सिंपल पहले फॉर्मूला, क्लोजिंग कैपिटल को हम कैसे निकालते थे, ओपनिंग प्लस में एडिशनल कैपिटल माइनस में ड्रॉइंग प्लस में प्रॉफिट, ये हमारा होता था। अब इन्होंने पूछ लिया हमसे प्रॉफिट, तो कोई बात नहीं, इक्वेशन को क्लोजिंग है फिर ओपनिंग लेस कर दो, ठीक है, एडिशनल कैपिटल भी लेस कर दो और ड्रॉइंग ऐड कर दो, निकल के आ जाएगा आपका प्रॉफिट। तो क्लोजिंग हमारी कितनी है, 90,000 है, माइनस में ओपनिंग कितनी है हमारी, 60,000 है, ड्रॉइंग हमें दे नहीं, ड्रॉइंग दे रखी है 10,000 हमारी इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड हुई है, ठीक है, 90 में से 60, 30, 30 में से 10 गेट 20, 20 प्लस 5 इज इक्वल टू 25, ठीक है, तो 5 हमारे ड्रॉइंग के, तो यहाँ पर राइट आंसर बेटा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। क्लियर हो गई बात विद कॉन्सेप्ट। अब है 107, डैश आर द ऑब्लिगेशंस और डेट्स दैट एन एंटरप्राइज हैज टू पे एट सम टाइम इन द फ्यूचर, तो क्या ऑब्लिगेशन है, क्या डेट है जो एक एंटरप्राइज को कुछ टाइम बाद फ्यूचर में पे करना ही करना पड़ता है। तो लाइबिलिटीज आर द ऑब्लिगेशंस, नॉट कैपिटल आर द ऑब्लिगेशन, नॉट शेयर आर द ऑब्लिगेशंस, लाइबिलिटीज आर द ऑब्लिगेशन और डेट दैट एन एंटरप्राइज हैज टू पे, जो एक एंटरप्राइज को पे करना ही करना है फ्यूचर में, तो हियर इज द राइट आंसर इज लाइबिलिटी, ओके जी। नेक्स्ट वन इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट प्रिपेयर, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड पूरा करा रखा है, आपको क्या नहीं बनाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाता है, मेमरी सिप पेमेंट बनाता है, बैलेंस शीट बनाता है, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाता, क्योंकि क्योंकि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है वो एक रिप्लेस कर रहा है प्रॉफिट एंड लॉस को, और कैश जो बुक है वो रिप्लेस करती है इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट को। देन इसके बाद है पब्लिक एंटरप्राइज इज डिफाइंड एज, पब्लिक एंटरप्राइज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एन ऑर्गेनाइजेशन रन बाय जॉइंट एफर्ट ऑफ सेंटर एंड स्टेट, क्या ये इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? नो, मतलब देखते हैं अभी जमीनी बात आगे वाले पढ़ते हैं, जो उनका बेस्ट सुटेबल ऑप्शन होगा ना हम वो चूज करेंगे। एन ऑर्गेनाइजेशन विच केटर्स टू द नीड्स रिलेटिंग टू द पब्लिक यूटिलिटी, एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच कैपिटल इज इन्वेस्टेड बाय पब्लिक, एन ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड एंड मैनेज बाय पब्लिक अथॉरिटी फॉर डिफिनेट सेट ऑफ पब्लिक पर्पस, ये पेपर में पूछा गया है, एक अभी जो रिसेंट पेपर हुआ है आपका उसमें भी पूछा गया है ये,
तो ये इम्पॉर्टेंट है और ये इसकी करेक्ट डेफिनेशन है कि जो ओन और मैनेज किया जाता है पब्लिक के द्वारा और अथॉरिटीज़ पब्लिक अथॉरिटीज़ के द्वारा और डेफिनेट सेट ऑफ पब्लिक पर्पस के लिए बनाया जाता है कि ये पब्लिक के लिए वो यूज़फुल रहेगा। अब है इफ द शेयर रुपीज 10 ऑन विच 8 इज कॉल्ड अप एंड 6 इज पेड, 10 थे उसमें से 8 कॉल्ड अप करे 6 पेड कर लिए, इज फॉरफिटेड, ये जो है वो फॉरफिटेड कर लिए गए हैं, स्टेट विद द अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल विल बी डेबिटेड। अब डेबिटेड किस अमाउंट से होगा हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट, तो डेबिटेड आपका शेयर कैपिटल तो 8 से होगा ना, शेयर कैपिटल अकाउंट आपका डेबिटेड कितने से होगा भाई, आपका शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड हो जाएगा 8 से, और फॉरफिचर में कितने जाएंगे, शेयर फॉरफिचर में आपके चले जाएंगे 6, ठीक है, जो आपने जब्त कर लिए हैं। ओके क्लियर हो गई बात, और नॉन पेमेंट है 2 रुपीज़ की है, क्योंकि जितने कॉल्ड अप करें उतने जाते हैं हमारे डेबिट में। ओके इसके बाद है विच बिजनेस यूनिट जनरेट सब्सटेंशियल कैश सरप्राइजेज, कौन सी बिजनेस यूनिट है जो सब्सटेंशियल कैश प्राइजेज, तो ये BCG मैट्रिक्स का आप देखो हम 3 दिन से लगातार सेट कर रहे हैं, 16 में भी, 17 और 18, अब ये क्वेश्चन रिपीट है मैनेजरियल ग्रिड का और BCG का, सो हाउ इम्पॉर्टेंट दैट क्वेश्चन इज, यू कैन टेक एन आइडिया फ्रॉम दिस कि ये क्वेश्चन कितना इम्पॉर्टेंट है। विच बिजनेस यूनिट जनरेट सब्सटेंशियल कैश सरप्लस ड्यू टू द लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट एंड हाई मार्केट शेयर, तो लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट होती है, ठीक है, और हाई मार्केट शेयर है वो किस में होता है, वो होता है मैम कैश काओ में, आपने बताया था, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैश काओ। दोबारा से बना के दिखाऊँ क्या, ये आपका मान लो मार्केट शेयर है, ये मान लो आपकी ग्रोथ रेट है, या हाई लो या लो हाई, तो जिनमें दोनों हाई है स्टार, जिसमें ग्रोथ रेट हाई है बट शेयर नहीं है क्वेश्चन मार्क है भाई उनको, और जो दोनों चीज़ें जहाँ पर शेयर हाई है और ग्रोथ रेट कम है वो हमारी कैश काउ हो जाती है, और ये हमारा डॉग हो जाता है जहाँ दोनों चीज़ें लो हैं, दोनों चीज़ें लो हैं डॉग, दोनों चीज़ें हाई हैं स्टार, जहाँ ग्रोथ रेट तो हाई है बट शेयर नहीं है तो वो कहाँ जाए, मतलब उसको एक क्वेश्चन मार्क है आगे डायरेक्शन डिसाइड नहीं है, ये जहाँ पर पूरे मार्केट का इतना बड़ा हिस्सा है वो ले रखा है एक फर्म ने, लेकिन उसकी ग्रोथ रेट नहीं है बट मार्केट शेयर पूरा थिया रखा है, तो ये हमारी हो जाती है कैश काउ। ठीक है, याद आ गया होगा आई थिंक आपको वो सारी मैट्रिक्स, तो ये मैट्रिक्स तो वो देखो भाई कितनी इंपॉर्टेंट है, आपको करके ही जानी है स्टेट वाले बच्चे और बाकी एग्जाम में भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्ट द फंड फ्लो स्टेटमेंट, अब फंड फ्लो में एक नॉन करंट लाइबिलिटी और एक करंट वाली, एक नॉन करंट आइटम होनी चाहिए और एक करंट होनी चाहिए, जब इन दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन होती है चाहे वो असेट हो लाइबिलिटी हो, एक असेट एक लाइबिलिटी हो, तो ही फंड फ्लो माना जाता है, तो कोई अफेक्ट नहीं करेगी, हमें वो ट्रांजेक्शन देखनी है, परचेज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, सेल ऑफ मशीनरी, यस कैश आया मशीनरी गई, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम, नॉन करंट लाइबिलिटी गई, कैश पे कही गई है और कैश गया है, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन प्लांट एंड मशीनरी, कि प्लांट एंड मशीनरी में डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पर हमारी ये जो प्लांट एंड मशीनरी है ये हमारी नॉन करंट है। अब आपको इसमें और इसमें होगा डाउट, तो इन दोनों में से बेस्ट सुटेबल है कि जब हम पर्सनल यूज़ के लिए परचेज कर रहे हैं ना, क्या कंप्यूटर, तो कंप्यूटर पर्सनल यूज़ के लिए तो नॉन करंट असेट में कंप्यूटर आएगा या नहीं आएगा, नॉन करंट में कंप्यूटर नहीं आएगा वैसे, और कैश जा रहा है। डेप्रीशिएशन प्रोवाइडेड ऑन प्लांट एंड मशीनरी, तो जब आप डेप्रीशिएशन का कैश कम कर रहे हो डेप्रीशिएशन के नाम पर, हालांकि हम बाहर किसी को पे नहीं कर रहे लेकिन एक हमारी नॉन करंट हो रही है और एक हमारा भी कैश जा रहा है कि अज्यूम कर रहे हैं हम, तो इसीलिए राइट आंसर जो है इसका वो ए है, बाकी दोनों ही कंफ्यूजिंग है, इन दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि बाहर कैश नहीं जा रहा बट अकॉर्डिंग टू आंसर की और अकॉर्डिंग टू बुक आपका जो राइट आंसर बनेगा वो ये बनेगा, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए आप ले रहे हो। ठीक है, अब इसके बाद है लिस्ट वन को लिस्ट टू, गुडविल ऑफ अ कंपनी आपकी क्या होती है, इंटेंजिबल होती है ट्रेडमार्क गुडविल, ओवरड्राफ्ट जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपकी फिक्टिशियस होती है, और ये हमारा रिजर्व एंड सरप्लस में जाता है, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और कहाँ कहाँ प्रीमियम का यूज़ करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है आपको बता रखा है, ओवरड्राफ्ट मैम हमारी करंट लाइबिलिटी होती है, तो कर लोगे इसको इस टाइप से मैच करके, देख लेना राइट आंसर क्या बनता है, मैच मैंने करा दिए। कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बच्चे क्या सोचते हैं कि कंट्रोलिंग है वो हमारा क्या है
बैकवर्ड लुकिंग प्रोसेस है, प्लानिंग हमारा फॉरवर्ड लुकिंग है, वेयर इज कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग बोथ प्रोसेस, बिकॉज ये हमारा एक आरपीएससी या केवीएस इसमें से एग्जाम में से भी आ चुका है, यानी जॉब रिलेटेड जो एग्जाम है आपका उसमें भी आ चुका है। क्यों है ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग? बिकॉज कंट्रोलिंग में हम क्या देखते हैं, देखो बैकवर्ड प्लान देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर है वो हमारा एक पर्टिकुलर दिशा में होना चाहिए, इसीलिए तो हम सेट स्टैंडर्ड से एक्चुअल को कंपेयर करके वेरिएशन पे कंट्रोल करते हैं और फिर फॉलोअप करते रहते हैं, फीडबैक देखते रहते हैं। तो कंट्रोलिंग हमारा बोथ है फॉरवर्ड लुकिंग एंड बैकवर्ड लुकिंग, हेयर इज द राइट आंसर। अब है डेटर आर 80,000, ठीक है, डेटर इतने हैं, बैड डेट्स इतने हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इतना, इट इज डिजायर टू मेंटेन ए प्रोविजन फॉर बैड डेट 1,000 rupees, स्टेट द अमाउंट टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो कितना इंपॉर्टेंट और पेचीदा टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बट इतना पेचीदा भी नहीं है, इजी सा है, इजिली बन जाएगा। देखो क्या बोला है, डेटर आपके इतने हैं, बैड डेट्स आपके 2,000 है, प्रोविजन फॉर बैड डेट आपका 4,000 था, इट इज़ डिजायर टू मेंटेन अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये आपने मतलब मेंटेन किया है कि ये इतना 1,000 rupees जो प्रोविजन है वो आप मेंटेन करके रखोगे ही रखोगे बैड डेट्स का। स्टेट द अमाउंट टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम कौन सी अमाउंट करेंगे, 80,000 के ये हैं, ये आपका बैड डेट्स है, प्रोविजन आपने 1,000 का बना रखा था, बच गया कितना 1,000, तो 1,000 हमारा जो है बैड डेट्स 2,000 के थे, 1,000 का हमारा प्रोविजन था, तो 1,000 और बच गया ना हमारा प्रोविजन का, बैड डेट्स इतने के थे, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स शुरू में 4,000 था, मेंटेन ए प्रोविजन, अब ये बोला गया कि आपका 1,000 मेंटेन करना है, तो 2 में से 1 गया, 1 बच गया, तो ये हमारा क्रेडिट रहेगा जी बैड डेट्स का 1,000 rupees। क्लियर हो गई बात यहाँ पर। इसके बाद है डैश डे ग्रेस आर एडिड इन द टर्म्स ऑफ बिल्स। तो ये हमने रिसेंटली में भी पढ़ा था, जब हमारा एमरजेंसी होता है तब हम क्या कर देते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा देते हैं, वैसे 3 days का टाइम होता है, और जब गजटेड हॉलीडे होते हैं तो वो 2 days हो जाते हैं एक दिन पहले, अभी रिसेंट में भी आया था। तो बिल का जो चैप्टर है वो भी देख लो आपका कितना इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर इसीलिए आपको कराया जाता है ताकि आपकी कॉन्सेप्ट भी चेक हो और आपको इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक्स भी पता चले, तो मिनिमम आपका 3 days होता है बेटा। The goal of financial management is to maximize the wealth of preference, adventure, equity, profit. तो ये क्या होता है, FFM का मेन उद्देश्य क्या होता है, इक्विटी शेयर जो ओनर्स होते हैं उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, जो आप कंपनी के ओनर्स होते हैं उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना इज अ प्राइम और गोल ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर के एडमिशन पर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट इज डेबिटेड टू, जो अगर हमारी असेट की वैल्यू रिवैल्यूएशन में इंक्रीज होती है तो हम किस में करते हैं बेटा, ये हम किस में डेबिटेड करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, न्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। तो देखो जब न्यू पार्टनर आता है तो हम ये मान के चलते हैं कि पीछे का जितना रिवैल्यूएशन हुआ है, असेट बढ़ी है, लाइबिलिटी कम हुई है, कुछ भी हुआ है, तो वो ओल्ड पार्टनर का हक है, क्योंकि अभी तक बिजनेस को किसने रन किया है, ओल्ड पार्टनर ने। क्लियर होगी बात। तो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में ये बढ़ता है, पहली बार ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में ये बढ़ता है, ठीक है, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में, ठीक है, और ये हमारा लेकिन उनके अकाउंट में ये क्रेडिट होता है, लेकिन यहाँ पूछ रखा है हमसे डेबिटेड, तो डेबिटेड तो ये उस असेट के अकाउंट में होगा अगर उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो ऐसे जाती है ना एंट्री, असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाता है, असेट हमारा डेबिट, और प्रॉफिट एंड लॉस जो आता है वो ओल्ड रेशियो में जाता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो हेयर इज अ राइट आंसर, पूरा क्वेश्चन को पढ़ो, डेबिटेड वाला असेट अकाउंट है। डैश इज अ प्रोसेस ऑफ एंट्रिंग इन द लेजर द इंफॉर्मेशन गिवन इन अ जर्नल, ठीक है, तो लेजर में कौन सी क्या है, डैश इज अ प्रोसेस ऑफ एंटरिंग इन द लेजर, लेजर में एंटर करने की प्रोसेस है, द इन्फॉर्मेशन गिवन इन जर्नल, जर्नल में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है और उसको हम लेजर में कर रहे हैं, सेम डिटो क्वेश्चन अभी HPSC में पूछा गया, तो ये हमारा पोस्टिंग है, बिग जब हम लेजर में एंट्री करते हैं जर्नल से या सब्सिडियरी बुक से तो वो हमारा पोस्टिंग होता है, और बिल्कुल बेसिक से ये क्वेश्चन आपका आया है। ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट लाइन के बेस पे जब आप ग्रुप करते हो एक्टिविटीज़ को तो वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, मैम सिंपल है, ये तो प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन है, क्योंकि एक प्रोडक्ट लाइन का एक डिपार्टमेंट बन जाएगा, दूसरी का दूसरी, तीसरी का तीसरी, जैसे एक कंपनी है वो शैम्पू बनाती है,
सोप बनाती है, इस टाइप से, तो तीन उसके डिपार्टमेंट बन जाएंगे। क्लियर हो गई बात यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है हमारी? ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय द पे। एक बिल ऑफ एक्सचेंज है वो कौन लिखता है? पे ही लिखता है या पेयर लिखता है? पे ही मतलब जिसको पैसा जा रहा है, तो पे ही वो भी हो सकता है, सेलर भी और थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ये डाउटफुल है, अभी इसको छोड़ देते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय द क्रेडिटर्स, यस, जो लेनदार है वो लिखता है। बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ ड्रॉन फॉर ऑल कैश, नो कैश के लिए नहीं होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन डिमांड नहीं, ये ऑर्डर पर होता है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर है बी, क्योंकि पे ही तो बेटा हमारी सेलर भी हो सकता है, क्रेडिटर भी हो सकता है, और थर्ड पार्टी अगर वो किसी को हस्तांतरित या इंडोर्स करवा देते हैं तो वो भी हो जाता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर है क्रेडिटर। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल बी रेक्टिफाइड थ्रू द सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट के अकॉर्डिंग कौन सी एरर को हम रेक्टिफाई करेंगे? सेल्स रिटर्न 1000 नॉट रिकॉर्डेड, सेल्स रिटर्न 1000 रिकॉर्डेड एज, ये तो हमारी कमीशन और वो वाली एरर है। सेल्स रिटर्न 1000 रिकॉर्डिंग थ्रू द परचेज रिटर्न बुक, रिकॉर्ड तो होगी ना, ये नोट, ये ओमिशन है, एरर ऑफ ओमिशन, तो जो इन सब में नहीं आती वो वाली है। सेल्स रिटर्न बुक अंडरकास्ट बाय 1000, हमने अंडरकास्ट और ओवरकास्ट वाली लिखनी है कि 1000 से हमने कम शो की है, अंडरकास्ट और ओवरकास्ट वाली, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी इज इलेक्टेड बाय, तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो बीओडी को करते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी बेटा आपकी यही पब्लिक कंपनीज जितनी भी होती हैं उन्हीं को ही बोलते हैं, कोई अलग से ये कंपनी नहीं होती है। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बन जाता है, विच इज़ शेयर होल्डर। आई होप कोई डाउट अभी तक तुम्हें दिक्कत नहीं है, फिर भी कोई परेशानी, कोई दिक्कत किसी क्वेश्चन में आ रही है, यू कैन कमेंट और यू कैन मैसेज, विल आंसर योर ऑल क्वेरीज। अब है मोनोपोली और इनको मैच करना। ऑब्वियसली एक हमारी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की वीडियो है, तो जितना भी हो सकता है इसमें, ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, बट जितना रिक्वायर्ड जस्टिफिकेशन है वो मैं आपको दे रही हूँ, बाकी कंटेंट आपने सबने देख ही रखा है। अब है मोनोपोली है वो क्या होती है, तो ओलिगोपोली में प्राइस रिजिडिटी होती है, किंग डिमांड कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। प्राइस टेकर एंड प्राइस मेकर, प्राइस मेकर कौन सी होती है, और हेटरोजीनियस प्रोडक्ट्स मोनोपोली कॉम्पिटिशन्स में होते हैं, ये हमारी प्राइस मेकर होती है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन हमारी प्राइस टेकर होती है। सी का एक और डी का चार, सी का एक और डी का चार है इसमें, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा ए का दो और बी का तीन, तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट वन इज इन इंडिया द कमर्शियल बैंक आर गिवन लाइसेंस ऑफ ऑपरेशन बाय, कमर्शियल बैंक्स आर गिवन लाइसेंस ऑफ ऑपरेशन, कमर्शियल बैंक्स को लाइसेंस ऑफ ऑपरेशंस दिया गया है, आरबीआई के द्वारा मिलता है मैम, और रूल रेगुलेशंस इसके द्वारा, लेकिन लाइसेंस ऑफ ऑपरेशन याद रखना, एग्जाम में इनमें कन्फ्यूज मत हो जाना, लाइसेंस ऑफ ऑपरेशंस जो है वो आपका कौन देता है मैम? आरबीआई देती है, लाइसेंस ऑफ ऑपरेशन आरबीआई देती है। अब है हमारा नेक्स्ट, विच वन इज नॉट दी ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग, बुक कीपिंग का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? टू नो दी नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है, टू नो दी नंबर ऑफ वर्कर्स कि कितने, ये हमारा थोड़ी है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, फाइनेंशियल पोजिशन होता है, कैश पोजिशन होता है, नंबर ऑफ वर्कर्स तो HRM में हमारा मैन पावर रिक्वायरमेंट में आता है ना। 127 का हमारा जो क्वेश्चन है, दैट इज अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वान्टिटी डिमांडेड टू चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स इज नॉन एज, यानी क्वांटिटी डिमांडेड का जो मेजरमेंट है और वो हम कर रहे हैं जो हमारा प्राइस चेंज है उसके साथ में, तो ये तो आपका बेटा क्या होता है, ये आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, या ये आपकी क्रॉस इलास्टिसिटी, अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है। यहाँ मान लो अगर आप एक्स ले रहे हो तो यहाँ आप वाई ले रहे हो, तो ये हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी है जिसमें सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आते हैं, ठीक है। सिंपल अगर ये ना होता ना रिलेटेड, तो प्राइस इलास्टिसिटी का आंसर बन जाता, लेकिन अब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, कौन सा आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड है? क्या कोचिंग आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड है? क्या केस स्टडी आपका ऑन द जॉब है?
फिल्म्स है, क्लासरूम लेक्चर कॉन्फ्रेंस है, तो बताओ कौन सा आपका ऑफ द जॉब है? मैम कोचिंग ट्यूटरिंग ये हमारी ऑन द जॉब होता है, और जॉब रोटेशन याद रखना, कंफ्यूज मत होना, हमेशा ऑन द जॉब है। वेस्टिबल ट्रेनिंग है वो आपका ऑफ द जॉब होता है, बहुत बार ये पूछ लिए जाते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ अ मशीन इज़ 1 लाख, एक मशीन का कॉस्ट प्राइस इतना है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन है वो 45,000 है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन। सेल जो प्राइस है वो हमारा 40,000 ही है, ठीक है। हाउ मच द लॉस और प्रॉफिट, तो देखो सेल प्राइस है हमारा इतना है, डेप्रिशिएशन इतना है, कॉस्ट प्राइस एक मशीन का 1 लाख था, तो कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ है एक मशीन में वो आप बताओगे, ठीक है। चलो करते हैं, तो यहाँ पर देखो एक मशीन की जो वैल्यू है वो 1 लाख थी जब हमने ली, कॉस्ट उसकी इतनी थी, ठीक है। डेप्रिशिएशन यानी उसकी वैल्यू कम हो गई 45 से, तो अब उसकी जो वैल्यू है वो कितनी बच गई है मैम? 55 बच गई है, ठीक है। 55 उसकी जो हाल फिलहाल है वो वैल्यू है, लेकिन उसको बेचा है हमने 40 में, तो यानी कि 15,000 का हमें क्या हुआ है? लॉस हुआ है ना, तो यहाँ पर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन इज 130 क्वेश्चन। इफ द डिस्टिंक्ट फॉर्म अंडर सेक्शन 10-15 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, हु शैल बी द प्रेजिडेंट? 1986 के अकॉर्डिंग कौन प्रेजिडेंट हो सकता है? प्रेजिडेंट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म नॉट रिड्रेसल कमीशन, ये देखो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म का प्रेजिडेंट पूछा है, यानी स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, उससे पहले जो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म आती है, तो भाई डिस्ट्रिक्ट फॉर्म का हमारा जो प्रेजिडेंट है वो कौन हो सकता है वो बताना है आपको। क्या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर? मैम ये तो प्रोटेक्शन काउंसिलिंग में होता है, यही कंफ्यूज करते हैं आपको, ये याद रखना है प्रोटेक्शन काउंसिल क्या है और ये क्या है। तो प्रोटेक्शन काउंसिल है वो अलग चीज़ है, जो सेंट्रल और ये वाली स्टेट वाली हमारी जो प्रोटेक्शन काउंसिल होती है, जो हमारे रिड्रेसल कमीशन है उसमें डिस्ट्रिक्ट फॉर्म और ये सब आते हैं, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में डिस्ट्रिक्ट जज के अकॉर्डिंग, स्टेट में हमारा हाई कोर्ट के जज के लेवल की, और जो हमारा नेशनल लेवल पे है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के लेवल के पोजीशन के पर्सन होने चाहिए प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज आ जाएगा क्योंकि ये हमारे रिड्रेसल काउंसिल है। राइट आंसर इज दिस। क्लियर हो गई बात यहाँ पर? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज बिजनेस एक्टिविटीज, कौन सी हमारी बिजनेस एक्टिविटीज नहीं है? तो प्रोडक्शन गुड एंड सर्विसेज है, सेल्स एंड एक्सचेंज ऑफ है, सैलरी और वेजेस क्या हमारी प्रोडक्शन है, रिस्क है, ये हमारी होती है मैम। सैलरी तो हम उसमें देते हैं ना, एम्प्लॉयमेंट में देते हैं, तो ये बिजनेस एक्टिविटी का तो पार्ट नहीं है, ठीक है। बिल्कुल आपका वेरी फर्स्ट जो चैप्टर है आपका प्लस वन का, वहाँ से ये क्वेश्चन है, ये राइट आंसर है। ऑन रिसीविंग द रिटर्न गुड्स फ्रॉम द बायर टू द सेलर, आप क्या करोगे? अब देखो ऑन दो नोट होते हैं, डेबिट नोट, इस चीज़ को नोट कर लो, ये एक नया पॉइंट है आपके लिए, क्रेडिट नोट। तो जो भी नए नए पॉइंट हैं प्रीवियस ईयर में, एक हैबिट बनाओ अपनी, उसको एक कॉपी लगाओ, उसमें नोट कर लो, ताकि आपको ऐसी चीज़ें, देखो जो यूजली हम कॉमन पढ़ते आ रहे हैं वो हम ठीक भी कर देते हैं, और हमारे जहन में भी होती है, दिमाग में भी होती है जब हम क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करते हैं, बट इस टाइप की चीज़ें हम पेपर से पहले गो थ्रू कर सकते हैं, तो इसीलिए उसको एक कॉपी लगाओ, उसमें नोट करो। ऑन रिसीविंग द रिटर्निंग गुड्स फ्रॉम द बायर टू द सेलर, फ्रॉम द बायर, बायर से जब कोई गुड्स सेलर को जाता है तो हमारे मेंटेन किया जाता है क्रेडिट नोट। क्यों किया जाता है? बायर से सेलर को जा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बायर हूँ, बायर से सेलर को जा रहा है, तो मैं क्या करती हूँ, मेरा परचेज अकाउंट डेबिट करती हूँ टू रमेश एंड कंपनी, क्योंकि मैंने उससे ये लिया है, तो हम क्रेडिट कर रहे हैं सेलर को, इसीलिए क्रेडिट नोट। जब मैंने डेबिट नोट कब होता है, जो सेलर से बायर की ओर जाता है, ये हमारा क्या होता है, परचेज रिटर्न, ठीक है। हमने क्या किया है, हमारी तरफ से परचेज रिटर्न है, उनकी तरफ से सेल्स रिटर्न होगा, ठीक है। अब जब जो है, अगर सेलर क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, अब रमेश एंड कंपनी है वो रिटर्न करेगी, तो किसको डेबिट करेगी, तो रमेश एंड कंपनी जो भी सप्लायर होगा उसका, उसको डेबिट करेगी टू परचेजेस जितनी भी, टू सेल्स या टू परचेजेस जितनी भी उसने की है। तो यहाँ पर जब हम उल्टा करते हैं, जब सेलर से बायर की ओर जाता है, ठीक है, सेलर से बायर की ओर जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, डेबिट नोट हो जाता है। लेकिन अब यहाँ क्या है, बायर से सेलर की ओर है, तो ये हमारा क्रेडिट नोट होगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो एक सेपरेट क्लास में हम इस टॉपिक को कवर भी कर लेंगे, 5 मिनट सीरीज में। आई होप आपको एक आइडिया काइंड ऑफ यहाँ पर लग गया होगा कि
क्या करना है, बाकी एक 5 मिनट सीरीज में इसको कवर कर लेंगे अच्छे से। वेन प्रिपेयरिंग अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट BRS जब आप बनाते हो, इफ़ यू स्टार्ट विद एन ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक देन चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्लियर। अब चार मेथड होते हैं, आप सबको पता है इसके। जब आप ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, यानी कि जब हम हमारे नेगेटिव बैलेंस ऑफ पासबुक से स्टार्ट करते हैं, यानी पासबुक का क्रेडिट, क्योंकि पासबुक में पॉजिटिव क्या होता है, डेबिट होता है ना हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम नेगेटिव बैलेंस से स्टार्ट करते हैं, सॉरी, पासबुक में पॉजिटिव क्रेडिट होता है और नेगेटिव हमारा डेबिट होता है, ठीक है। कैशबुक में पॉजिटिव डेबिट होता है, कैशबुक में पॉजिटिव बैलेंस है डेबिट होता है, पासबुक में वही क्रेडिट होता है। तो पासबुक में ये डेबिट यानी नेगेटिव बैलेंस है, तो हमारा एंड होगा कैशबुक पे, ये तो हमें पता है मैम। अब सब एंट्रीज हो जाती है हमारी उल्टी, चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्लियर, डिपॉजिट कर दिया था बट क्लियर नहीं किया था, तो ये हमारी जब हमारी कैशबुक और ये हमारी पासबुक, तो चेक यूजली हम क्या करते हैं, चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्लियर, हमने डिपॉजिट कर दिया वहाँ क्लियर नहीं हुआ, हम ऐड ऑन कर देते हैं जबकि यहाँ भी नहीं हुआ है। लेकिन इस केस में हम उल्टा करेंगे ना, फिर हम लेस करते थे, लेकिन यहाँ हम क्या करते हैं, जब ओवरड्राफ्ट का केस होता है, जो हम प्लस करते थे वो माइनस करते हैं, जो माइनस करते थे वो प्लस करते हैं, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, डिडक्टेड हो जाएगा ये डिडक्टेड। क्लियर हो गई बात यहाँ पर, क्योंकि हमने पासबुक के अकॉर्डिंग चलना। ओके जी, कंटिजेंसी अप्रोच ऑफ लीडरशिप वॉज गिवन बाय फिडलर ने विदाउट एनी डाउट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय द टेलर, तो ये दिया था भाई टेलर ने, साइंटिफिक साइंस नॉट रूल ऑफ थम, मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड है वो दिया था, फंक्शनल फॉरमैनशिप प्रिंसिपल नहीं था बट एक कॉन्सेप्ट दी थी, ठीक है। बट मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट जैसा कोई भी टर्म नहीं दी थी, तो ये तीनों टर्म टेलर की है, बट मैक्सिमम बट नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन अंडर दी हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या शो नहीं होता है हमारा, कैपिटल रिजर्व होते हैं, क्रेडिट बैलेंस P&L का हमारा होता है मैम, जनरल रिजर्व होते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हमारा नहीं होता है रिजर्व एंड सरप्लस में, ठीक है भाई, तुमने कह दी तो मान ली हमने। अब है 137 है, व्हेन अ फर्म मेंटेन अ कैश बुक इट नीड नॉट मेंटेन, जब एक फर्म अपनी कैश बुक मेंटेन करती है तो उसको क्या मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये हम पढ़ चुके हैं। बैंक एंड कैश अकाउंट इन द लेजर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, ये हमारे सेकंड क्लास थी सब्सिडियरी बुक्स की, उसमें हमने पढ़ी थी कॉन्सेप्ट के बाद बैंक ऑफ द, ठीक है, क्योंकि जब उसने हमारी कैश बुक मेंटेन कर ली ना, तो वो बैंक एंड कैश कॉलम एक ही वन एंड सेम थिंग है, लेजर में मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक कैश अकाउंट की तरह ही हमारा काम करेगी। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट क्लियरली डिस्टिंग्विश, देखो हम तो हाईलाइट कर दिया, अगर ये हाईलाइट ना भी करें ना, तो पेपर में पढ़ते हुए इस नोट का खास विशेष ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नॉट क्लियरली डिस्टिंग्विश बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, तो हम पढ़ते हैं भाई, उसके बाद बताते हैं कौन सा अच्छे से नहीं डिफाइन करा। एंटरप्रेन्योर्स यानी उद्यमी जो रिस्क लेते हैं, फाउंड द बिजनेस, मैनेजर्स ऑपरेट, बिल्कुल ठीक है ये मैम। एंटरप्रेन्योर्स आर द ओनर ऑफ द बिजनेस, मैनेजर एम्प्लॉय, ये भी ठीक है। एंटरप्रेन्योर्स अर्न प्रॉफिट, एंटरप्रेन्योर्स अर्न करते हैं प्रॉफिट, मैनेजर्स अर्न सैलरी, बिल्कुल ठीक है ये भी। एंटरप्रेन्योर इज वंस फॉर ऑल एक्टिविटी, क्या वो सब काम अकेले खुद कर लेते हैं क्या, नहीं, फिर मैनेजर क्यों रखते हैं। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यू एक्टिविटी, ये फिर भी ठीक है, मैनेजमेंट कंटिन्यूज है, लेकिन ये नहीं है हमारा वंस फॉर ऑल एक्टिविटी, नहीं, ये तो ये हमारा यहाँ पर राइट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर हियर। द टर्म अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिफर टू, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी क्या होती है, जो हम एक बेस्ट अल्टरनेटिव जो त्याग देते हैं उसकी जो कॉस्ट होती है, द कॉस्ट फॉर गोन इन फेवर ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ अनदर बेस्ट आउटपुट, ठीक है, क्लियर हो गई बात यहाँ पर। 139 का सी है। देन इसके बाद है एक्स कंपनी लिमिटेड परचेज्ड असेट वर्थ 25,80,000, इट इश्यूड डिबेंचर 100 एट अ डिस्काउंट ऑफ 4%, ठीक है भाई, 4% के रुपीज 100 ईच के हिसाब से 4% डिस्काउंट में इशू की। इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ द परचेज कंसिडरेशन द नंबर ऑफ डिबेंचर इशू फॉर द वेंडर, तो कितने डिबेंचर है वो वेंडर को इशू करने पड़ेंगे। अब ये देखो आप 4% तो उसमें से उसने क्या ही कर लिया है, अपना वो कर लिया, क्या बोलते हैं, 20
580,000 के होने चाहिए, लेकिन जिसमें से 4% इसने क्या कर दिया है, डिस्काउंट दे दिया, तो ये लेस करके 96 से करके हमको देखना सॉरी 96 से करके हमको देखना पड़ेगा। तो देखो पहले हम 30,000 से करते हैं, तो यहाँ पर हमारा मैम ये इतना आ जाता है। अगर मैं 4% और इसमें लेस कर देती हूँ तो 4 तिया 12, तो इसको हम कर लेते हैं 1,20,000 से हमारा लेस ऑन कर लेते हैं, ठीक है। तो 30 लाख है ये, और 30 लाख को अगर मैं 120 से कर देती हूँ, 30 लाख को 120 से, तो हमारी 3 0 पीछे 10 में से 2 गया, 8 9 में से 1 गया 9 में से 1 गया 8, और ये हमारे 2 28,800, ठीक है। डिस्काउंट ऑफ 4% इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ द परचेज कंसिडरेशन, तो कितने हम इशू करेंगे वो बताना है। तो इस क्वेश्चन में ना यहाँ 2880 होगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो राइट आंसर है इसके अकॉर्डिंग 30 है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें जो है क्योंकि देखो 10 में से 7 में से गया 6 है, तो ये भी नहीं बैठता, तो ये इसका राइट आंसर है 30, और यहाँ है इसमें गड़बड़, ये 2880 कुछ है, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये चीज़ है, एक बार इसको मार्क कर लेते हैं, रीचेक भी कर लेंगे बाद में। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम इज शोन, प्रीपेड कुछ भी होता है तो वो हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम है, तो हमारी असेट का पार्ट होता है, इज दिट क्लियर, ठीक है, ये हमारी असेट का पार्ट है। देन है 142, व्हाट डज चेंज इन द इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ में नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम बताती है, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक, माइंडसेट ऑफ पीपल, ये चीज़ें नहीं होती। विच इज़ द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कौन सा हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट है, एम्प्लॉयज, कंपनी की पॉलिसी, डेमोग्राफी, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बताना है बेटा। तो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर और कंपनी की पॉलिसी तो हमारा इंटरनल है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। और हमारी देखो अब एक बात बता देती हूँ मैं आपको, एम्प्लॉयज़ वैसे आपकी एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसमें एक्सटर्नल का पार्ट है एम्प्लॉयज़, ठीक है, बट यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन है, एम्प्लॉयज़ हमारे स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें दिख रहे हैं, इंटरनल है। तो डेमोग्राफी जो एनवायरनमेंट होता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है, जो हमारा पोस्टल है, ठीक है, ये हमने बना रखा है कि हमारा पॉलिटिकल पेस्टल जो है हमारा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरनमेंट एंड लीगल, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा बाहरी होता है, तो इसलिए डेमोग्राफी इसका राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ डेमोग्राफी है। अगर यहाँ शेयर होल्डर होता ना, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले, यहाँ अगर शेयर होल्डर होता, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं तुम्हें बता रही हूँ, नोट डाउन कर लो, तो यहाँ इम्प्लॉयज़ आता फिर राइट आंसर, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमारा इम्प्लॉयज़ गिवन है। प्रीपेड एक्सपेंसेस इज एक्सपेंसेस, इनकम, असेट एंड लाइबिलिटी, तो हम इसको किस में दिखाते हैं ये बताओ, प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी कि प्रीपेड एक्सपेंसेस आ गई है हमारे पास, किसी ने हमारा कुछ पे करना था एक्सपेंस, बट उसने क्या कर दिया है, पहले पे कर दिया, अब हमारी लाइबिलिटी है कि उसको हम लास्ट ईयर में उसको कंसीडर करेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस क्लेम इज आवर असेट, वेयर इज प्रीपेड एक्सपेंसेस इज आवर लाइबिलिटी, ठीक है। अ कंप्लेंट कैन बी मेड टू डिस्टिंक्ट फॉर्म वे इन द वैल्यू ऑफ द गुड्स, अच्छा ये तो पुराने के बेस पे है, मैं क्लियर कर देती हूँ आपको। देखो अब जो है डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और हमारा नेशनल, 2019 में बेटा इसकी थी, ये मैंने आपको बता भी रखा है वैसे, अप टू 1 करोड़, 1 करोड़ से अप टू 10 करोड़, और 10 करोड़ से अबो, ठीक है। फिर 2020 में इसकी रिवाइज कर दी, अब आपको यही दो लिमिट याद रखनी है, पेपर में अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं है और यही ऑप्शंस है तो इसके अकॉर्डिंग चलना है, समझ जाना 2019 पूछा गया, जैसे अभी पूछा गया रिसेंट एग्जाम में HPSC में, अगर आपको लिखा हुआ 2019 तब भी ये चलना है, अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं है और ये वाले नीचे वाले ऑप्शन गिवन है विच इज़ 50 लाख, 2 करोड़ एंड अबो 2 करोड़, तो आपको ये वाले राइट मार्क करने हैं, ठीक है। अब ये लिमिटेड चेंज हो चुकी है। अब इसके बाद है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड ऑन द गाइडलाइंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट, वेरी इजी क्वेश्चन। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो कौन सा करेक्ट है भाई, हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला कौन सा होता है, नेट प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नो नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस, ठीक है, माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो ये देखो ये हमारा P&L है, यहाँ हमारा नेट प्रॉफिट होता है, यहाँ हमारे
जो है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये हमारे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, दोनों को ऐड करके ये माइनस करते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग निकल कर आ जाता है। क्लियर हो गई जी बात। इसके बाद है इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी द प्रिंसिपल फॉलो इज, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, वन मैन वन वोट, टू टाइम्स तो अभी पूछ लिया गया रिसेंट में, इसमें भी आ रखा है, तो इम्पोर्टेंट है और सीधा डायरेक्ट इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजिकल होती है, मैम लिंग्विस्टिक होती है, कल्चर होती है, कलर डिस्क्रिमिनेशन इसका पार्ट नहीं है, ये तो ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह में, आईज वगैरह के टेस्ट में यूज़ करते हैं। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर इफ गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट, रिटायरमेंट के टाइम पर कीवर्ड हाईलाइट कर लो, ऑफलाइन पेपर का सबसे बेस्ट मेथड है, गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर हो रही है, इट शुड बी रिटर्न ऑफ फॉर दिस कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। ठीक है भाई, तो कैसे करनी है, डेबिटेड होगी ओल्ड पार्टनर में, ठीक है, डेबिटेड बाय द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज के अकॉर्डिंग ही होगी, क्योंकि जो रिटायर हो रहा है पार्टनर उसका भी तो उस गुडविल में हक बनता है, ठीक है। और यहाँ अगर मान लो गेनिंग रेशियो, अगर वो रिटायर हो रहा है और देके जा रहा है, ठीक है, तो गेनिंग रेशियो के उसमें जो बाकी के बचे हुए पार्टनर हैं उनमें रिवाइज हो जाएगी, उनमें डिवाइड हो जाएगी। क्लियर हो गई बात यहाँ पर। तो ये आपका जी पूरा सेट यहाँ पर सॉल्व होता है। कोई डाउट है 2016 के पेपर में तो प्लीज़ पूछिए। अब आपने देखा होगा तीन सेट हो गए, 2016 का, 2017 का और 2018 का, इन दोनों के न्यूमेरिकल की एक क्लास में ले लूँगी आपकी। तो देखो कल हम यही करेंगे इन दोनों का न्यूमेरिकल, 16 से 17 में कितना डिफरेंस आया, 17 से 18 में कितना आया, धीरे धीरे लेवल टफ हो रहा है। अब जब मैं आपको 2021 का दिखाऊंगी ना, टोटली न्यूमेरिकल 50-50 का पार्ट है, तो आप देखोगे कि कैसे कैसे लेवल इसका बढ़ रहा है, ठीक है। पहले ये इजी था बट धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। कंटेंट आपको आपने देखा होगा सब करवाया हुआ है, तो कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्ट विद योर स्टडी, कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछें, बैटरी लो रखी है, वरना टेलीग्राम में पूछ लेना,